भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी सोमवार को तमाड़ स्थित देउड़ी मंदिर पहुंचे। धोनी ने मंदिर में पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की। धोनी के मंदिर में पूजा अर्चना करने के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। धोनी के साथ उनके दोस्त चिंटू भी थे। धोनी की सुरक्षा के लिए बिंडू SDPO अजय कुमार खुद उनके साथ मौजूद थे। सुरक्षा के लिहाज से मंदिर परिसर में CRPF और जिला पुलिस के जवानों को भी तैनात किया गया था। धोनी के आने की खबर सुनकर उनके फैंस काफी उत्साहित दिखे। उनके साथ सेल्फी लेने के लिए लोगों की होड़ मच रही थी। धोनी ने भी अपने प्रशंसकों को निराश नहीं किया। उन्होंने हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन किया और प्रशंसकों के साथ सेल्फी भी खिंचवाई। सेल्फी लेने के बाद प्रशंसक खुश नजर आए। जी, जैसे कि आप लोग जानते हैं, देउड़ी माँ से बहुत ही गहरी आस्था रखते हैं। उसी तरह इस बार भी उन्होंने कोरोना काल के वजह से बीच में नहीं आ पाए थे। काफी समय के बाद आज पुनः उन्होंने माँ के दरबार में आकर माता का दर्शन किया, माता का आशीर्वाद लिया। कितने देर तक रहे धोनी यहाँ पर? धोनी तकरीबन यहाँ से लगभग 10-15 मिनट माता का जितना समय पूजा अर्चना करना लगा। क्या विशेष आज लग रहे थे, किस चीज आए थे, कौन कौन थे साथ में? साथ में उनके मित्र थे सीमांत लोहानी जी। और हमेशा की तरह माता के दरबार पर आशीर्वाद लिए, बहुत ही हंसमुख लग रहे थे। सूचना मिली कि हमारे झारखंड के माननीय क्रिकेटर श्री महेंद्र सिंह धोनी आज देवी मंदिर माता के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, और इस सूचना पे तुरंत हम लोग यहाँ पे पहुँच गए और हमारे थाना प्रभारी जी पर हम लोग सारे जंगल के साथ पहुँच गए। हम लोगों ने पूरी तरीके से पूरे मंदिर को सैनिटाइज किया और सब जगह चेकिंग करवाते हुए सभी श्रद्धालु भक्तों को आग्रह किया कि इस सुरक्षा व्यवस्था में हमें कॉपरेट करें। और अभी तुरंत लगभग 11 बजे के आसपास 11:30 में महेंद्र सिंह धोनी यहाँ पे देवी मंदिर माता के दर्शन करने के लिए आए थे, और अभी माता के दर्शन करके सही तरीके से हम लोगों ने उनको दर्शन करा के और फिर से वापस रांची की ओर लौट गए।